हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस नेक्स्ट क्लास, क्लास नंबर 13, स्पेशल हिस्ट्री बैच। ये क्लास नंबर 13 है हमारी स्पेशल हिस्ट्री बैच की, और इसके अंदर हमने जो हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है बेटा नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी, उत्तर भारत के जो राजवंश हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो गढ़वाल हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि जो गढ़वाल जो डायनेस्टी है वो डिस्कस की थी कि कैसे कन्नौज पर अधिकार है वो हो जाता है मोहम्मद गोरी का, ठीक है ना। और कैसे जो राजा जयपाल थे उसने जो सॉरी जयपाल बोल रहा हूँ जो जयचंद्र थे उसने कैसे मोहम्मद गोरी की जो हेल्प है वो की और जो पृथ्वीराज चौहान है उसको हराया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो हैं वो देख सकते हैं हमारी, ठीक है ना। चलिए आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम चौहान डायनेस्टी। चौहान जो डायनेस्टी है वो नियर बाई जो 7th जो सेंचुरी है उसके आसपास अस्तित्व में आई, और पर इसका जो असली जो प्रकोप हमें देखने को मिला, इसकी जो प्रसिद्धि है वो देखने को मिली हमें 12वीं सेंचुरी के दौरान, ठीक है ना। और कौन इसके इम्पोर्टेंट या फिर मैं कहूँ ग्रेटेस्ट रूलर थे, और साथ के साथ हम जो डिस्कस करेंगे इन्होंने किस किस के साथ जो वॉर है वो किया, सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था बेटा वो मैंने आपको बताया था कि संयोगिता, जयचंद्र की लड़की संयोगिता को उठाकर जो पृथ्वीराज चौहान है वो शादी कर लेता है, और कैसे दुश्मनी है वो बनती है गढ़वालों के साथ, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आज भी डिस्कस होंगी। पिछली वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। चलिए चौहान डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी गढ़वाल के बाद अगली इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी हमारी उत्तर भारत के अंदर, और ये 7th सेंचुरी के अंदर हैं वो उभरी, और ये नियर बाई दिल्ली, अजमेर और संभलपुर के आसपास के जो रीजन थे उन पर राज करती थी, और मेनली जिस रीजन के अंदर ये उभर कर सामने आई वो था साकंबरी जो रीजन था उसके आस उसमें ज़्यादा ये डेवलप हुई। राजस्थान के अंदर ही है ये स्थान, याद रखना साकंबरी, ठीक है ना, यहाँ पे डेवलप है ये हुई सबसे पहले। इसके जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे उसको याद रखना, वो थे वासुदेव इसके संस्थापक थे, ठीक है ना। अब जो याद रखना आगे जो पूछा गया है वो पूछा गया है सोर्स, जो स्रोत कि जो चौहान जो डायनेस्टी है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, ठीक है ना। ये जो जानकारी है वो हमें दो अभिलेख हैं उनसे मिलती है। एक तो पहला है जो है विग्राज द्वितीय का एक अभिलेख है, वो है हर्ष प्रस्तर अभिलेख है। इस में हमें चौहान जो डायनेस्टी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो मिलती है। हर्ष प्रस्तर अभिलेख किसने लिखा, वो लिखा विग्राज द्वितीय ने। एक है सोमेश्वर, ये जो पृथ्वीराज चौहान थे या पृथ्वीराज तृतीय थे उसके पिता हैं, इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा बिजोलिया प्रस्तर अभिलेख। इसके बारे इससे भी हमें क्या है कि जो चौहान जो डायनेस्टी है उसकी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है कि चौहान कैसे रूल करते थे, कैसे उनका शासन चलता था, ये सारी जो चीज़ें हैं वो दो जो ग्रंथ थे जो अभिलेख थे उनके दौरान हमें उनमें देखने को मिले। एक तो हर्ष प्रस्तर जो विग्राज द्वितीय ने लिखा, और एक सोमेश्वर का जो प्रस्तर अभिलेख था बिजोलिया, उसमें हमें देखने को मिलती हैं बेटा। इसकी जो उत्पत्ति है या आरंभ जो माना जाता है, या मैं कहूँ कि जो चौहान जो डायनेस्टी है इसको गुजर प्रतिहार जो डायनेस्टी थी उसका मंत्री या सामंत माना जाता था, कि इनके नीचे ये काम करती थी, उनके सामंत थे या उनके मंत्री हुआ करते थे। तो इनकी जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है कि एक रूलर थे वाकपतिराज थे, इन्होंने अपने आप को प्रतिहारों से स्वतंत्र घोषित कर लिया था। एक इनके ही क्या थे, इनकी जो उत्पत्ति वो पर, या मैं कहूँ कि इनका जो मतलब मैं कहाँ से इनकी उत्पत्ति है वो मानी जाती है, इनको माना जाता था प्रतिहारों का मंत्री या सामंत, ठीक है ना। एक व्यक्ति थे जिसने प्रतिहारों से खुद को
स्वतंत्र बताया। तो याद रखना वो थे वाक्पति प्रथम, वाक्पति राज प्रथम, वो पहले व्यक्ति थे जिसने सामंतों से मतलब वो कि जो प्रतिहार है उनको अपने आप को स्वतंत्र महसूस किया या स्वतंत्र घोषित कर दिया। एक रूलर था अजय राज, अजय राज एक रूलर था जिसने अजमेर बसाया। आपसे पूछ सकता है कि अजमेर शहर को किसने बसाया, कौन राजा था, वो था अजय राज, और वो भी चौहान डायनेस्टी से था। और इसने अपनी जो कैपिटल है उसको भी अजमेर को ही अपनी जो कैपिटल है वो बनाया बेटा। तो ये एक दो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है कि संस्थापक कौन है, वो है वासुदेव, और कौन सा जो रूलर है जिसने सामंत जो जो प्रतिहार हैं उनसे अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, तो वो थे वाक्पति राज प्रथम। फाउंड अजय राज जिसने अजमेर की स्थापना की वो थे अजय राज। चलिए अब आगे बात करते हैं इसका जो फेमस और लास्ट जो रूलर था, याद रखना चौहान डायनेस्टी का फेमस और लास्ट जो रूलर था वो था पृथ्वीराज तृतीय। वो कौन सा था बेटा, वो था पृथ्वीराज तृतीय था, और इसने रूल कब से कब तक किया, 1778 से 1792 के अंदर। याद रखना ये जो चली 11वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी तक इसने इंडिया नॉर्थ इंडिया के अंदर रूल किया, ठीक है ना। और इसको एक अलग जो नाम है राय पिथोरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। काफ़ी जो इतिहासकार हैं या फिर इनका जो नाम है वो राय पिथोरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, चौहान डायनेस्टी के लास्ट और फेमस रूलर थे। इसका जो टाइम पीरियड है वो पूछ लिया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। इसने क्या किया पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में 1182 के अंदर चंदेला, एक चंदेला है उसके जो रूलर हैं परम परमादेव देव, इसको हरा दिया, इसको हरा दिया था, ठीक है ना, ये भी याद रख सकते हैं। एक इनके एक दरबारी कवि हुए हैं पृथ्वीराज तृतीय के या पृथ्वीराज चौहान के, एक फेमस काफ़ी फेमस कवि हुए हैं, दरबारी कवि हुए हैं चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ने एक काव्य लिखा या फिर मैं कहूँ एक इपिक लिखी, एक बुक लिखी, एक महाकाव्य लिखा जिसका जो नाम था वो था पृथ्वीराज रासो। ये काफ़ी है बार पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, तो याद रख सकते हैं पृथ्वीराज जो रासो है वो लिखा चंद्र बरदाई ने। और चंद्र बरदाई यहाँ पे लिखते हैं, जो चंद्र बरदाई हैं वो अपने पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का दिल इतना बड़ा था, पृथ्वीराज चौहान का दिल इतना बड़ा था कि उसने मोहम्मद गोरी ने 16 बार पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया, उसने 16 के 16 बार मोहम्मद गोरी को माफ़ कर दिया क्योंकि मोहम्मद गोरी उससे क्षमा मांग लेता था। और क्या हुआ, वो क्षमा मांग लेता था तो पृथ्वीराज चौहान उसको माफ़ कर देता था। एक बार क्या हुआ 1191 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन, जो पहली जो बैटल ऑफ जो त्राइन है हमारी जो बुक है उसके अंदर केवल इसी का जो वर्णन है वो किया जाता है। बड़े और भी जो इतिहासकार हैं वो इसको एक मजाक मानते हैं, पृथ्वीराज रासो को एक मजाक मानते हैं कि ये सिर्फ मन घड़त कहानियां हैं वो लिखी गई हैं। 1191 के अंदर पहली बैटल ऑफ त्राइन हुई, जो त्राइन जो क्षेत्र है वो हरियाणा के करनाल में पड़ता है और एक क्षेत्र है करनाल के अंदर तारावड़ी, तारावड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे जो बैटल है वो हुई मोहम्मद गोरी और किसके बीच में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक लड़ाई हुई जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन के नाम से जाना जाता है। इसमें भी क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी जीत हुई और मोहम्मद गोरी की हार हुई। मोहम्मद गोरी ने फिर क्षमा मांग ली और वो अफ़गानिस्तान लौट गया गांधार, क्योंकि वो गांधार का था, अफ़गान का था और अफ़गान है वो वापस लौट गया। यहाँ से क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान की एक गोरी से नज़र हटी तो दूसरी गोरी पर नज़र है वो लग गई, जो जयचंद्र की बेटी संयोगिता थी, ठीक ना। वो संयोगिता को उठा लाते हैं और शादी कर लेते हैं
भरे मंडप से या फिर मैं एक स्वयंवर से वो उठाकर लाते हैं। उसके बाप ने एक स्वयंवर है वो आयोजित किया था, जिसमें पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, यदि आपने देखी है तो क्लियर हो जाएगा। वो क्या है कि उठा लाते हैं संयोगिता को और संयोगिता से शादी कर लेते हैं। और जयचंद्र जो संयोगिता के जो पिताजी थे, जो गढ़वाल के जो शासक थे, आखिरी जो शासक थे गढ़वाल के, वो क्या है कि पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए आतुर होते हैं और वो जो मोहम्मद गोरी हैं उसके साथ मिलके साजिश करते हैं। और मोहम्मद गोरी फिर से अगले साल अटैक करता है 1192 के अंदर। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट डेट, 1192। 1192 के अंदर दूसरी बार लड़ाई होती है, बैटल ऑफ तराइन। दूसरी जो लड़ाई होती है बैटल ऑफ तराइन, और ये भी पानीपत, ये जो पानीपत है सॉरी हरियाणा के जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक तारावाड़ी, हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लगता है तारावाड़ी एक क्षेत्र है, वहाँ पे ये जो लड़ाई है वो हुई, बैटल ऑफ तराइन सेकंड, ठीक है ना, दोनों वहीं पे हुई सेकंड के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ, अब पूरी कहानी पलट गई, अब यहाँ से पूरा इतिहास ही पलट गया। इसके अंदर क्या हुआ, मोहम्मद गोरी की हार हुई और इसमें हेल्प उनके ससुर जयचंद्र ने की थी। और वहाँ से क्या हुआ, इसमें माना जाता है, जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या है वो कर दी और भारत में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया इससे। अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या है? इसके बाद एक स्टोरी है चंद्र बरदाई की रासो एपिक के अंदर, एक रासो जो महाकाव्य है चंद्र बरदाई ने जो लिखा था पृथ्वीराज रासो, इसके अंदर एक वो कहानी लिखते हैं, वो लिखते हैं मुझे और पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना लिया गया और हमें अफगान ले जाया गया, अफगानिस्तान है वो ले जाया गया, और हमें मोहम्मद गोरी के दरबार में पेश किया गया। पृथ्वीराज रासो में ये भी कहा गया है कि जब हमें दरबार के अंदर पेश किया गया तो पृथ्वीराज चौहान एक बड़े शक्तिशाली राजा हुए हैं और वो नीडर भी थे, वो मोहम्मद गोरी से आंखों में आंख मिलाकर बात करने लगे और मोहम्मद गोरी को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने पृथ्वीराज चौहान को आंखें नीची करने के लिए कहा, पर ऐसा पृथ्वीराज चौहान ने नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान ने आंखें नीची नहीं की और मोहम्मद गोरी को गुस्सा आ गया और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को फुड़वा दिया, उनके आंखें फुड़वा दी और जिंदा छोड़ दिया। अफगानिस्तान के अंदर मोहम्मद गोरी हर साल खेलों का आयोजन है वो करता था और अलग अलग जो खेल है उनका आयोजन है वो करता था। चंद्र बरदाई जो इसके दरबारी कवि हैं वो एक चीज़ और लिखते हैं कि हमने भी उसके अंदर भाग लिया और मैंने मोहम्मद गोरी को कहा कि मेरे स्वामी को, मतलब मेरा स्वामी मतलब पृथ्वीराज चौहान, मेरा जो स्वामी है पृथ्वीराज चौहान उसको शब्द भेदी तीर चलाना था। शब्द भेदी मतलब कि जो जहाँ से वो सुन ले वहीं पे जो तीर है वो चला सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बताकर उसने पेश किया चंद्र बरदाई ने, और इस चीज़ की लालसा मोहम्मद गोरी को भी जागी, ठीक है ना। वो चलते हैं और उसने कहा कि मेरे जो राजा है, मेरे जो स्वामी हैं, इसको एक धनुष और एक तीर दिया जाए। तो आगे चलकर थोड़ा सी दूर पे वो खड़े हो जाते हैं, कौन, पृथ्वीराज चौहान, और उनके पास चलकर आते हैं जो चंद्र बरदाई थे, उनके जो कवि थे वो, और कुछ कहते हैं, हे राजा तुमसे 8 बास 24 कदम, ऐसे कुछ एक पंक्तियाँ हैं, एक पंक्तियाँ कही गई है कि तुमसे राजा 8 बास 24 कदम उच्च सिंहासन पे बैठा है। मतलब कहा गया कि आपसे जो राजा है वो इतनी दूर बैठा है, एक सिंहासन पे बैठा है, और आपको जो एक ही तीर मिला है यही आपके जीवन, मतलब आपको बदला लेने का एक सुनहरा मौका है। तो ये सारी जो स्टोरी है वो
सारी की सारी पृथ्वीराज रासों के अंदर लिखी गई है। आगे क्या हुआ, उनको तीर दिया गया, धनुष दिया गया और उनकी जो बेड़ियां हैं वो खोल दी गई। जब बेड़ियां खोल दी गई तो उसने कहा कि राजा, आप मोहम्मद गोरी को कहा कि आप आदेश देना कि जब भी मेरा स्वामी है वो तीर चलाएगा। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि तीर चलाइए। तो मोहम्मद गोरी ने जैसे ही कहा कि तीर चलाइए, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी पर तीर चला दिया और उसी समय मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई। कुछ इतिहासकार या कुछ लोग इस चीज़ को केवल नाटकीय मानते हैं कि केवल एक स्टोरी बताते, कहानी के रूप में ही जो बताते हैं कि ये केवल कहानी है, ये सच नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताई गई, ठीक है ना। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो बताई गई कि पृथ्वीराज रासो क्या थी, किसने इसको लिखा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ, और क्या क्या जो स्टोरी है वो मैंने आपको बता दी। ये सारा का सारा जो था वो था हमारा चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी है वो कंप्लीट हुई। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंदेल डायनेस्टी, जो चंदेल जो वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे, बुंदेलखंड और जो है जेजाभुक्ति, ठीक है ना, जेजाभुक्ति है ये, ठीक है ना, एक स्थान है जेजाभुक्ति और बुंदेलखंड, इनके अंदर हम इनको पढ़ेंगे। बुंदेलखंड है वो, ठीक है ना, इसके अंदर जो अलग अलग जो चित्र हैं उसके अंदर क्या है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो पढ़ने को मिलेंगे आपको। अगली जो डायनेस्टी है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।